हेलो एंड अ वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कंपाउंड के कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक बॉन्ड अगर होगा तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पॉसिलेट्स ऑफ वीबीटी क्या कहता है कि मान लो मेरे पास एक एटम है, उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि वो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना चाहिए। दूसरा जो एटम से इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है उस एटम के ऑर्बिटल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और तो इस इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए, ताकि जब वो इसके साथ आके जुड़े और एक बॉन्ड फॉर्म हो तो वो ओवरलैपिंग के बाद में जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और जितना ज्यादा स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हमें मिलने वाला है यहाँ पे। तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रांगर इज द बॉन्ड फॉर्म। अगर एटम के पास एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है तो उतने वो मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से वीबीटी के कुछ पॉसिलेट्स है। थैंक यू।